मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलना यार। अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि बेल आइकन को दबाओ। अगर आपको बेल आइकन अभी तक नहीं दिख रहा है तो भाई आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबा लो। दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। हेलो सलाम नमस्कार पायलागू सरकार, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं इरफान जुनेजो के एक और ब्लॉग पे। इरफान जुनेजो के बहुत सारे ब्लॉग्स पे मैंने रिएक्शन दिया और सब एक से बढ़ के एक हैं। और मुझे पसंद भी है इरफान जुनेजो को ब्लॉग्स को देखना, क्योंकि यार बाकी ब्लॉगर से ये थोड़ा हटके हैं, इनका अंदाज कुछ निराला है, तो मुझे काफ़ी पसंद है इनके अब ब्लॉग्स को देखना। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि यार ये ड्रोन व्यू का इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका एक और ब्लॉग जिसका नाम है गवादर रैली। हियर वी गो। यार टेलीनॉर के सिग्नल ही नहीं आ रहे भाई, ये ई आ रहा है, ई का क्या करूँ मैं, मेरा तो सारा काम इंटरनेट पे होता है इधर, मतलब गवादर, आई मीन गवादर। मैं आया था गवादर कल जहाज में पीआईए। हाँ भैया हम जा रहे हैं गवादर पहली दफा, और 7 साल में पहली दफा पीआईए में बैठ रहे हैं। टेक ऑफ के वक्त मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन मेरे बराबर में अंकल बैठे थे, वो कह रहे हैं कि जहाज में वीडियो बनाना अलाउड नहीं। मैंने बोला अंकल मैंने 1000 दफा बनाई है, कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला नहीं बेटा इट्स नॉट अलाउड। आपने सुना होगा शाह से ज्यादा शाह के वफादार। आ गए भैया हम गवादर, अल्हम्दुलिल्लाह। और गवादर पहुंचते ही मुझे पता चला कि भैया गवादर इज आल्सो नॉट कमिंग स्लो। यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ एक गाड़ियों की एग्जीबिशन थी और वहीं गेस्ट को वेलकम कर रहे थे जो भी रैली में आ रहे हैं, तो वहाँ के सीन तो कुछ क्रेजी। हाँ भैया हम आए थे इधर गवादर रैली और यहाँ पे सीन्स कुछ ऐसे हैं। मुझे मिले मेरे दोस्त सलमान, सलमान पटाखा, वो अपनी बाइक पे आए थे। पटाखा बाइक कैसे छोड़ सकता हूँ। हम लोग गवादर बीच पे आए हैं, सनसेट होने वाला है और घोड़ा भी साथ लाए, अली भाई के पास एक घोड़ा है, तो गवादर एंड घोड़ा एंड सनसेट, उफ क्या कॉम्बिनेशन। बाइक चलाना आसान है, घोड़ा मुझसे सिर्फ फर्स्ट गियर में चलता है भाई, लेकिन अली भाई तो प्रो है ना, प्रो भी और ब्रो भी। और आज है मेन रैली इवेंट जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। नाश्ता कर लें, ये चाय नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, ये है दूध बादाम पिस्ते का कुछ सीन है इधर, तो नाश्ता करें फिर चाय। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स खास तौर पर यंगस्टर्स चाहिए जो कि इन कार्रवाइयों में, इन एक्टिविटीज़ में, इसके इंतज़ाम में हिस्सा लेंगे। वी हेयर गवादर ऑफ रोड रैली, काफ़ी मशहूर मशहूर नाम सुन रहा हूँ मैं, तला रईस, नादिर मक्सी, रोनी पटेल, खबरों में सुनता था सिर्फ। अभी पहली गाड़ी फिनिश लाइन को क्रॉस किया उन्होंने, नादिर मक्सी ऑफ कोर्स, और बाकी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं 5-5 मिनट के इंटरवल से, उनका टाइम नोट हो रहा है। जी मरे ने बोला जी मरे दिए। फुलसी मैजिल फुलसी आई
کبو کی پیر تو پاسی ہے کیپ کریو جرو معافی شین لو لاڑے متی ہنڈی شہر سا پار جرو معافی شین لو لاڑے جرو معافی شین لو لاڑے متی ہنڈی شہر سا پار متی ہنڈی شہر سا پار بولی پھل کرے منگولی پھل کرے بولی گر کرے سے تینس کچھ ایسے بولی گر کرے سے تیشن کرے اڑے شاعر پارے نو زیری تمان سال نام موسم برا سانا کان چک گوری چھٹ پاؤ زوری نے اتم لکیا ہنتی پاؤ توری نے الا بھاگیا پٹی پاؤ زوڑے نے ہولی ہل کرے منگولی ہل کرے ہلے گر کرے سیٹے شر کرے ریلی ختم ہو چکی ہے اور جو ونر ہیں ان سے میں وہاں نہیں مل سکا تھا اس لیے میں پی سی گوادر آیا ہوں سلطان محمد سے ملنے وہ جیتے ہیں ریلی ریلی ختم ہو چکی ہے میں آیا ہوں پی سی گوادر میں ریلی کے ریزلٹس نمبر ون آئے ہیں صاحب زادہ سلطان محمد نمبر ٹو پہ آئے ہیں نادر مقصی اور نمبر تھری پہ آئے ہیں رونی پٹیل سیلیبریٹیز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں علی ظفر آ گئے ہیں عاطف آ رہے ہیں ریلی کی کلوزنگ سیریمنی رات کو ہے تو تب تک کیوں نہ گوادر واٹر بریک دیکھ لیا جائے ویسے ٹو بی آنیسٹ مجھے صرف ڈرون اڑانے کا بہانہ چاہیے کدے ملتا سی او کدے ملتا سی او رے جانی او رے پیارا او رے او سونا کدے ملتا سی میں کانسرٹ پہ موجود ہوں کانسرٹ بھی ہے کلوزنگ سیریمنی بھی ہے میدان پر کی کسی نے بھرپور ٹولیاں ایسی تھوڑی مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ایسی ریلیاں ہوتی رہیں گی آخر میں پاکستان فوج زندہ آباد بلوچستان زندہ آباد پاکستان پائنٹ گوادر کی ہسٹری میں سب سے پہلا میجر کانسرٹ اختر چنار علی ظفر عاطف اسلم ابھی تک چل رہا ہے لیکن میرا کام پورا ہو گیا ہے میرے اور بھی پلانز ہیں علی بھائی نے کوئی سجی وجی کے گیمز کیے ہیں
खाना भी तो खाना है यार। काफी मजेदार था ये व्लॉग, सब बाकी है। तो यार मुझे इसीलिए पसंद है इरफान जुनेजू का ब्लॉग, जो भी होता है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, और इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। और यार जब इनका जो ब्लॉग देखोगे तो लगेगा कि हाँ देखते जाओ देखते जाओ, कोई बीच में ब्रेक नहीं होता है, और वो ज़्यादा अच्छा लगता है दर्शकों को। हाँ एक चीज़ मैंने मिस किया इस ब्लॉग में, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लोगे तो बेहतर है, तो ये डायलॉग इन्होंने इस ब्लॉग में नहीं मारा, अच्छा नहीं किया। मैंने इसका टाइटल पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये कोई पॉलिटिकल रैली होगा, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल रैलीज कैसी होती हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं ये तो कुछ और ही है। और यकीन मानिए पॉलिटिकल रैली से ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग था ये। वैसे पॉलिटिकल रैलीज तो यार खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कभी से नहीं रही हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो भीड़ इकट्ठे करो, तो ये तो यार इधर होता ही है। वैसे गवादर एक खूबसूरत जगह है जैसा कि इस ब्लॉग में दिखाया गया है, सनसेट व्यू समुंदर के किनारे, फिर वो यार वो नौका वाला सीन, यार दिल जीत लिया गवादर ने अपने सीनरी से। तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, एम करते हैं कम से कम 500 लाइक्स की। अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की। और हाँ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।